नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने Gmail ID को कैसे सिक्योर करें? दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने Gmail ID में टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल करें? दोस्तों अपने Gmail ID में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर देने से होता ये है, आपके दोस्त या फिर आपके कोई भी व्यक्ति आपके Gmail ID और पासवर्ड जान जाने के बाद भी आपकी जीमेल आईडी को अपने फ़ोन में या फिर अपने पीसी में साइन इन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जब भी वो आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन करेंगे तो आपके दिए हुए नंबर पे एक ओपीटी आएगा, ओपीटी डालने के बाद ही साइन इन कर सकते हैं। तो इस तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन कर देने से हमारी अकाउंट और सिक्योर हो जाती है। तो आप जानना चाहते हैं कि अपने जीमेल आईडी को टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करें, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों अपने जीमेल आईडी को टू स्टेप वेरिफिकेशन सेट करने के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं हम अपने जीमेल ऐप्स को, और जीमेल ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और यहाँ से आप अपने जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा आप किस जीमेल आईडी को टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इस जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इसके लिए गूगल अकाउंट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसे स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप अपने रिसेंट एक्टिविटी, तत्काल एक्टिविटी देख सकते हैं कि आपके अकाउंट की कब पासवर्ड चेंज की गई है और कब आप किसी और ब्राउजर में साइन इन किए हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों आपके फ़ोन में ये ऑफ होगा, इसी को आपको इनेबल करना है, ऑन करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ से आप अपने ब्राउजर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउजर है तो फिर और भी बेटर है, आप क्रोम पे क्लिक कीजिएगा, और क्रोम पे क्लिक कर देने के बाद आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाती है, और ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना होता है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जीमेल का फिर से पासवर्ड डालना होता है, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड आप इंटर कीजिएगा। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आप जिस फ़ोन में लॉगिन रहते हैं उस फ़ोन का यहाँ पे नेम दिखलाई देता है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे, तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और आपको चूज करना होता है कि आप ही का ये फ़ोन है ना, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यस पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप जीमेल आईडी में जो नंबर डाले रहते हैं पहले से वो नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। टेक्स्ट मैसेज पे सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेंड, तो आपके फ़ोन पे एक ओपीटी जाएगा, वो ओपीटी को यहाँ पे डालना होता है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंड। तो देखिए यहाँ पे आपको ओपीटी डालना होगा, आपके फ़ोन पे एक ओपीटी आएगा। जैसे मेरे फ़ोन में ये ओपीटी आ चुका है और मैं इस ओपीटी को यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। OPT डाल देने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट, और यहाँ पे आपका अकाउंट ये वेरीफाई हो जाता है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इसे ऑन कर देना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऑन। अब यहाँ से आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाती है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टर्न ऑफ का, अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑफ कर सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने जीमेल ऐप्स में और देखते हैं कि वो ऑप्शन इनेबल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस जीमेल पे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा गूगल अकाउंट पे, और यहाँ से आ जाते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर आप जब भी लॉग इन करेंगे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, तो आपके फ़ोन पे उस दिए हुए नंबर पे एक ओपीटी जाएगा,
उस ओपीटी को डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाइएगा। तो इस तरह से आपका अकाउंट और भी सिक्योर हो जाता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि अपने गूगल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काम की होगी और आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।